शिवपुरी शहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक थीम रोड पर बनी रेलिंग में जा घुसी। जो गनीमत यह रही कि ट्रक पास में ही खड़े ट्रांसफार्मर में नहीं जा टकराई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ग्वालियर बाईपास की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा था और माधव चौक के पास टर्न लेते समय अनियंत्रित होकर थीम रोड की रेलिंग में जा घुसा। गनीमत की बात रही कि यह ट्रक पास में ही खड़े ट्रांसफार्मर में नहीं टकराया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि एक ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से चलाते हुए ट्रक को सिमरोल की ग्रेडिंग में टकरा दिया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, अभी एक रात में ये कोई ट्रक वाले ने माधव चौक पर डिवाइडर में रेलिंग वगैरह तोड़ दिए, क्या कुछ पूरा मामला था ये? तेजी और लापरवाही से रात्रि के लगभग 2-2.5 बजे के करीब एक ट्रक ने गाड़ी को चलाते हुए चालक ने अपने ट्रक को रेलिंग में मार दिया है, जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। हमने ट्रक वाले के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर रहे हैं। कोई घायल वगैरह तो नहीं हुआ सर? कोई घायल नहीं हुआ जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।